नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। हम यहां पर जिक्र करते हैं हार्टन एम्प्लॉय का, जो भी हार्टन के जितने भी प्रकार की कैटेगरी आईटी प्रोफेशन की जो क्वेश्चन में डाल दिए गए हैं बहुत से लोग, और कुछ लोगों को डाला जाने वाला है, डाल देंगे। तो इसमें क्या कहेगी, जो मीटिंग हुई थी लाइव, उसका हवाला दिया जा रहा है कि उस मीटिंग में कहा गया था हार्टन वालों को डालो। तो उसमें ये भी कहा गया था जो निगम रेट है उसके अनुसार क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो निगम रेट के अंदर जो दिया गया, जो लेटर मैं आपको बता दूं, 7004-F-41/SAT-571 फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस जनरल का लेटर है 21/11/1941, विच हैज गवर्नमेंट द मैटर डीसी रेट ड्यूटी, जो भी इसको लेकर वेरियस कैटेगरीज मैन पावर एंड डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर जो एजेंसी है जो ये डिस रेट दे रही है उसको लेकर था ये। किसके अंदर, जो भी आउटसोर्स पे कर्मचारी आते हैं, देखिए डिप्लॉइंग जिसके लगे हुए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर एंड मैन पावर फॉर आउटसोर्स सर्विस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन्हीं का ये पूरा हवाला यहाँ पे दिया गया ऑब्जेक्ट के अंदर, पॉइंट नंबर बी है ये, सॉरी ए है, ए यहाँ पे लिखा गया, आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग का जिक्र है, यहाँ पर हार्टन का जिक्र नहीं है। हालांकि ये जो अधिकारी डाल रहे हैं, मैं सीधा तौर पे कह रहा हूँ, तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि हार्टन को इसमें डाला जाए, तो फिर भी डाला जा रहा है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी भी अधिकारी जो विभाग को डाउट है वो मार्गदर्शन ले, यही कहेंगे हम, हार्टन से भी ले सकता है, कौशल से भी ले सकता है, और ज़्यादातर कहूँगा चीफ सेक्रेटरी से ले, क्योंकि हार्टन की पॉलिसी अलग है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हार्टन ने लेटर जारी किया गया था 7/1/2021 को पॉलिसी जारी की गई थी, उस पॉलिसी को भी पढ़ सकते हैं आप, और जो निगम रेट है उसको भी पढ़ सकते हैं, और जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी है उसको भी पढ़ सकते हैं। तीनों में क्या लिखा है आप आसानी से देखोगे, कोई भी अधिकारी पढ़ेगा तो उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी, हाँ बिल्कुल हार्टन इस पॉलिसी के अंदर नहीं आता है, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है। तो ये गलत बात है जो डाला गया है, और किन किन का नाम डाला गया वो कॉमेंट जरूर करें। और इस पर आपको बता दें, फैसला अभी नहीं आया, फाइनल फैसला इसके लेकर हार्टन से भी, भाई जो भी जिक्र चला हुआ है इसको लेकर ये यहाँ पे क्यों डाला जा रहा है, जब आईटी पॉलिसी ही अलग है तो इसमें क्यों इनको ठोका जा रहा है, जब कहीं भी नहीं लिखा कि हार्टन एम्प्लॉय को इसमें, आउटसोर्स को लिखा है। अब बहुत से क्या होता है, डिपार्टमेंट के अधिकारी सोचते हैं कि हार्टन वाले आउटसोर्सिंग में आते हैं, भाई ये नहीं आते हैं, नहीं आते, बार बार हम कहते हैं इस बात को, आपको ये लेटर दिखाइए जहाँ पर लिखा होगी हार्टन आउटसोर्सिंग में आता है। तो आप अपने विभाग में इस आवाज़ को उठाइए, उनसे लेटर मांगिए, लिखित में पत्र दीजिए कि सर हमें दिखाएं किस लेटर के अनुसार कहा गया कि हार्टन को इसमें डालो, या किस लेटर के तहत गया कि हार्टन आउटसोर्सिंग में आता है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है।